आज आपने शपथ ग्रहण कर लिया है। अब आप बोलिए। बड़ी नाराजगी की बात चर्चे थे कि आप नाराज हैं, आपको ये हमारी कोई नाराजगी नहीं है। दिल्ली से लेकर उसके बाद आप क्या ये सब बातें, अब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई औचित्य है ये सब बात करने का। परंतु मैं समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा काम आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं पर ही आधारित रहता है ज़्यादातर। मैं लगातार जो है 2014 से मेरे साथ कई लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने जो है जगह जगह मुझे देखा होगा काम करते हुए, और चाहे निर्भया का धरना प्रदर्शन हो, चाहे जो है इस समय बंगाल पे जो भी कुछ हुआ हो, लगातार मैं काम करती आई हूँ। और मैं प्रदेश सरकार का, अपने नेतृत्व का, संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ये जिम्मेदारी करी है। ईश्वर से कामना करती हूँ कि शक्ति दे मुझे कि मैं निस्वार्थ और जिस प्रकार से सेवा भाव से मैंने समाज सेवा का रास्ता चुना है, अब मैं पॉलिटिक्स में हूँ, सभी बड़ों के आशीर्वाद से मैं अपना जो है काम कर सकूँ अच्छे से। जनता पार्टी से कोई नाराज़गी अब तो नहीं है? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। और देखिए, परिवार में जो है एक बार आदमी जब रहता है तो अपनी बात कहने का सबको कहने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि नाराज़गी है या कोई ऐसी बात है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और इसमें जो है मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी परशुराम जी की तरह हैं। तो मुझे लगता है कि मैं पहले एकलव्य थी, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी, अब जो है जिम्मेदारी मिल गई है तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद अर्जुन की तरह काम करूंगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं। कोई भरोसा भी दिया गया कुछ और, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी पोस्ट को लेकर नाराजगी थी कि उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, इसको और कोई भरोसा मिला नहीं कुछ और? मैं समझती हूं कि संगठन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और ये एक आयोग है, इसके जो है पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम लोग सड़कों पर धरना देते थे, पहले हम लोग जो है जगह जगह जाते थे। क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ यानी एंटी रेप लॉ 2012 के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया होगा, आप लोग सब इसके साक्षी हैं कि सबसे ज़्यादा स्कूल में 23 डिस्ट्रिक्ट में जिसने काम किया वो मैंने काम करा, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, और भी संस्था हो सकती हैं। तो बी अवेयर के माध्यम से लगातार मैं काम करती आई। तो मुझे लगता है कि अब जो है आयोग की प्रतिबद्धता है, इसके कुछ लीगल पैराफिनेलिया है, कुछ जो है लीगल लॉज हैं, उसके तहत मैं कितना जो है बेहतर कर सकती हूँ महिलाओं के लिए, आदि आबादी के लिए, उनकी आवाज़ बनने का काम कर सकती हूँ, उनके उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे जोड़ने का काम कर सकती हूँ। और राष्ट्रीय महिला आयोग भी उसका ये एक अंग है, महिला आयोग उत्तर प्रदेश का, जैसे सारी स्टेट्स में होता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ी टीम है यहाँ पर, काफ़ी सारे सदस्य बनाए गए हैं, उसमें अध्यक्ष भी हैं, दो उपाध्यक्ष हैं। तो ये एक जिम्मेदारी बड़ी है और आप सभी का समर्थन चाहती हूँ कि जो है निष्पक्ष रूप से आप लोग जो है बात लिखें, कहें, दिखाएं। और जो है मैं यही कहूँगी कि स्वतंत्रता के लिए जब जो है लड़ाई हुई थी तब भी प्रेस का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि भाई जब बात ही नहीं सामने आती तो कैसे जो है दमनकारी शक्तियों का पता चलता। और मुझे लगता है आज भी लोकतंत्र में प्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करती हूँ और कि आप लोग घटनाएं लाते रहते हैं सामने, उस पर हम लोग कितना काम कर सकते हैं, कितना जो है जुझारू रूप से लग सकते हैं, ये हमारा दायित्व होगा। ये मेरा जो है पर्सनली इस पद की गरिमा को मेंटेन करने का एक, मुझे लगता है, संकल्प होगा। और मेरा जो भी बड़े वरिष्ठ लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और यहाँ का पूरा संगठन, केंद्रीय नेतृत्व, मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस पर कोई वो बात नहीं, आज जो है राधाष्टमी है और जो है आदरणीय श्रीमती नम्रता पाठक जी भी आई हैं मेरे साथ
उन्होंने मुझे बोला कि भाई राधाष्टमी के दिन ज्वाइन करो, उन्होंने खुद दर्शन करने गई थी, तो मैंने सोचा चलिए फिर आज हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आरोप लगाए हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में फेक एनकाउंटर हुए। पीडीए उन्होंने लिखा कि पीडीए के 60% जो है एनकाउंटर्स हुए, अदर्स के 40% हुए और जो डाटा है अवेलेबल 42% है। उन्होंने कहा कि पीडीए के जो लोग हैं एनकाउंटर्स में अधिक वही मारे जा रहे हैं। मैं समझती हूँ, देखिए कि किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल होता है उसकी जाति नहीं होती है। अब आप ये देखिए कि कितने सारे जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं, तो इसका मतलब जो है भैया पूछ उधर से रहें तो कहाँ से सामने देख लें। तो जो है सबसे बड़ी बात है कि जो है ऐसा नहीं होता कि हर मुसलमान आतंकवादी है ना, तो उसी प्रकार से मैं समझती हूँ कि कोई जाति नहीं होती किसी क्राइम करने की, परंतु ये जांच का विषय है कि ये किसने किया, कैसे हुआ, इस केस में जो है पुलिस पड़ताल कैसे हुई है, क्या इसमें हस्तक्षेप हुआ है और एजेंसियों का, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी और इसकी निष्पक्ष जांच हो। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है जितना भी जो है इस तरीके का क्राइम है उसके अगेंस्ट है। मैं समझती हूँ कि अगर ये एनकाउंटर हुआ है इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण रहा होगा, इन कारणों पे हम लोग चर्चा शायद आगे करें तो ज़्यादा बेहतर हो, जब जांच खुल करके हम सबके सामने आए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये जांच का विषय है, ये जांच में चल रहा है, ये एनकाउंटर अगर हुआ है तो इसके पीछे कारण रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी का भी एनकाउंटर कर देंगे। राह चलते आदमी का तो कोई पुलिस वाला कोई गोली नहीं मार देता, भाई फोर्स है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है, ना कि